मैं एक ऊंट की तरह बिस्तर पर जान दे रहा हूँ। मुझे सख्त शर्मिंदगी है कि मैं मैदान जंग में शहीद ना हो सका और अल्लाह कयामत तक किसी बुजदिल को सुकून और इत्मीनान न दे। अपने एक करीबी दोस्त को अपने जिस्म के तकरीबन तमाम हिस्से दिखाकर कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हें कोई ऐसा हिस्सा नजर आता है कि जहाँ किसी तीर, तलवार या खंजर का निशान न हो, फिर अल्लाह ने मुझे शहादत क्यों ना दी। दोस्त ने कहा, खालिद, कि तुझे रसूल अल्लाह ने सैफुल्लाह कहा था, फिर कोई किस तरह तुझे मैदान जंग में तोड़ सकता था। ये जुमले अदा करने वाले हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 300 से ज़ायद जंगें लड़ी और किसी एक जंग में भी शिकस्त ना खाई। खालिद वो नाम था जिससे रोम और ईरान के महलात पर दहशत और खौफ तारी हो जाता। खालिद ना सिर्फ इस्लामी तारीख बल्कि पूरी तारीख इंसानी में खालिद से बड़ा कोई जर्नैल नहीं गुजरा। जब खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल होता है तो मदीना में कोहराम पपा हो जाता है और खालिद के कबीले की औरतें बैन करते हुए मदीने की गलियों में निकल आती हैं। हजरत उमर ये शोर सुनकर अपना दुर्रा उठाते हैं और बाहर निकलने की करते हैं। अपने एक मुलाजिम से पूछते हैं कि ये औरतें मातम क्यों कर रही हैं, तो मुलाजिम उनको बताता है कि ये खालिद के इंतकाल पर मातम कर रही हैं। हजरत उमर वहीं रुक जाते हैं और अपना दुर्रा वापस रख कर कहते हैं कि इनको मातम करने दो। रोने वाले खालिद जैसों पर ही रोया करते हैं, इनका रोना दिखावे का नहीं। खालिद पैदाइशी तौर पर जंगजू थे। खालिद की तरबियत उनके वालिद वलीद ने की थी और खालिद नौजवानी ही में कुरैश की अस्करी कुव्वत के कायद बन चुके थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम फनून सिपाहगरी तो अरब में आम थे और तकरीबन अरब के तमाम मर्द ये फनून जानते थे, लेकिन ऐसी कौन सी वजह थी कि खालिद ने सिर्फ 3 साल के अरसे में रोमन और पर्शियन अम्पायर को तितर बितर करके रख दिया। इसकी वजह सिर्फ हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको सैफुल्लाह होने की बिशारत दी तो आप में वो गैर मामूली कॉन्फिडेंस आ गया कि आपको यकीन था कि अब मैदान जंग में मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। खालिद के इश्क रसूल का ये हाल था कि हज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक के बाल साफ करवाए तो खालिद ने कुछ बाल उठा लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि खालिद, इन बालों का क्या करोगे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, ये बाल मैं अपने पास बरकत के लिए रखूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाया, जब तक ये बाल तुम्हारे पास रहेंगे तुम किसी जंग में शिकस्त ना खाओगे और मेरी दुआएं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। खालिद ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बाल अपनी टोपी में सी कर अपने पास रख लिए थे और जंग के मौके पर खास तौर पर वो टोपी आप पहना करते थे। एक दफा जंग के दौरान जब मुसलमानों का बहुत नुकसान हो चुका था, खालिद इंतहाई परेशान हो गए। और खालिद वो शख्सियत थे जो इंतहाई नाजुक सूरत हाल में भी कभी परेशान नहीं होते थे, कि वजह सिर्फ ये थी कि खालिद की वो टोपी जंग के दौरान कहीं गिर गई थी। खालिद ने अपनी तमाम फौज को उस टोपी की तलाश में लगा दिया। आखिर तलाश के बाद वो टोपी मिल गई। जब आपके साथियों ने आपसे सवाल किया कि खालिद, इतनी नाजुक सूरत हाल में कि जबकि मुसलमानों का इतना शदीद नुकसान हो चुका है, तो तुमने एक मामूली सी टोपी के लिए इतना जोखिम क्यों उठवाया, आपने जवाब दिया कि असल में मेरी ताकत यही टोपी है, इसी की बरकत से अल्लाह मुझे हर मैदान में फतह देता है। हजरत खालिद बुनियादी तौर पर खुद सर और अपने फैसले खुद किया करते थे। रसूल अकरम खालिद को जिस तरह हैंडल किया करते थे वो भी अपनी मिसाल आप था। जिन बातों पर दूसरों से सरजनिश और पूछगछ की जाती थी, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो से उन बातों पर सर्फ नजर कर दिया जाता था। और खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ ये रवैया न सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बल्कि अहद सिद्दीकी में भी जारी रहा। इन तमाम वाकयात की तफसीलात आपको हमारी वीडियो में आगे चलकर मिलेंगी। असल में रसूल अकरम की शफकत और मोहब्बत की वजह से खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हों का कॉन्फिडेंस का ये हाल था कि जब अहद सिद्दीकी में कि खालिद एक ईरानी शहनशाह को खत लिखते हैं, तो उस खत के अल्फाज पर जरा तवज्जो कीजिए। ईरानी शहनशाह को मुखातिब करते हुए आप कहते हैं, या तो इस्लाम कबूल कर लो या जजिया दो, अगर फिर भी इनकार है तो तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पास क्या चीज आने वाली है और क्या चीज तुमसे टकराने वाली है। जो लोग मैं तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूँ वो मौत को इतना ही अजीज रखते हैं
हैं जितना अजीज तुम जिंदगी को रखते हो। जब खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो मैदान जंग में अपना मखसूस नारा अना फारिसुल जदीद अना खालिद बिन वलीद बुलंद किया करते तो इस नारे को सुनकर ही दुश्मन के अहसान खता हो जाते। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जासूसी का एक मुकम्मल निजाम कायम किया हुआ था और मैदान जंग में उनका दूसरा कामयाब हरबा उनका वो घुड़सवार दस्ता था जिसकी तरबियत आपने खुद की थी। एक मौके पर एक रूमी सिपाह सालार आपको डराने के लिए कहता है कि खालिद तुम हमसे क्यों लड़ते हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे तलवार और तीर उस जहर में बुझे हुए हैं कि अगर वो जहर इंसानी जिस्म को छू जाए तो इंसान की मौत वाकई हो जाए। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा लाओ वो जहर मुझे दिखाओ। रूमी सिपाह सालार ने जहर की वो शीशी जब खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हों के सामने पेश की तो आपने वो मशहूर दुआ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम पढ़ी और वह जहर की शीशी पी गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने मैदान जंग में ऐसे माफूकुल फितरत कारनामे अंजाम दिए कि जो अक्ल इंसानी से मावरा हैं। इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में पेश किए जाने वाले तमाम वाकयात इंतहाई अर्करेजी और मुस्तनद कुतुब तारीख और अहादीस की कुतुब से लिए गए हैं। खालिद बिन वलीद इब्ने मुगैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु आप खानदान कुरैश के बहुत ही नामवर अशराफ में से हैं। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत से 22 साल पहले मक्का मुअज्जमा में पैदा हुए। आपकी वालिदा हजरत बीबी लबाबा सुगरा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी। आप बहादुरी और फने सिपाहगरी और तदाबीर जंग के एतबार से तमाम सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा में एक खुसूसी इम्तियाज रखते हैं। इस्लाम कबूल करने से पहले आपकी और आपके वालिद वलीद की इस्लाम दुश्मनी मशहूर थी। जंगे बदर और जंगे ओहद की लड़ाइयों में आप कुफार के साथ रहे और आपकी वजह से मुसलमानों को बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान पहुंचा। मगर नागहां आपके दिल में इस्लाम की सदाकत का ऐसा आफ्ताब तुलू हुआ कि 7 हिजरी में खुद ब खुद मक्का से मदीना जाकर दरबार रिसालत में हाजिर हो गए और दामन इस्लाम में आ गए और ये अहद किया कि अब जिंदगी भर मेरी तलवार कुफार से लड़ने के लिए बेनयाम रहेगी। चुनाचे इसके बाद हर जंग में इंतहाई मुजाहिदाना जाहो जलाल के साथ कुफार के मुकाबले में शमशीर बकफ रहे। यहाँ तक के 8 हिजरी में जंगे मौता में जब हजरत जैद बिन हारसा हजरत जाफर बिन अबी तालिब हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा तीनों से सलारों ने यके बाद दीगरे जामे शहादत नोश कर लिया तो इस्लामी फौज ने आपको अपना सिपह सलार मुंतखिब किया। आपने ऐसी जाबाजी के साथ जंग की कि मुसलमानों की फतह मुबीन हो गई और उसी मौके पर जबकि ये जंग में मसरूफ थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की एक जमात के सामने आपको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के खिताब से सरफराज फरमाया। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों के दौरे खिलाफत में जब फितना इर्तिदाद ने सर उठाया तो आपने उन मारिकों में भी खुसूसन जंगे यमामा में मुसलमान फौजों की सिपह सलारी की जिम्मेदारी कबूल की और हर मुहाज पर फतह मुबीन हासिल की। फिर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों की खिलाफत के दौरान रूमियों की जंगों में भी आपने इस्लामी फौजों की कमान संभाली और बहुत ज्यादा फतूहत हासिल की। 22 हिजरी में चंद दिन बीमार रहकर वफात पाई। मौता की जंग के दौरान खालिद बिन वलीद ने बाजंतीनियों के खिलाफ मुस्लिम फौजों की क्यादत की। आपने 629 में मक्का के मुसलमानों की फतह और 630 में हुनैन की जंग के दौरान मुस्लिम फौज के तहत बदवी कबाइल की क्यादत की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के विसाल के बाद खालिद बिन वलीद को नजद और यमामा में मुकर्रर किया गया ताकि उन अरब कबाइल को दबाया जाए जो नौजायदा मुस्लिम रियासत के मुखालिफ थे। इस मुहिम का इख्तिताम बिलतरतीब 632 में जंग बजाखा और 633 ईस्वी में यमामा की जंग में अरब बागी रहनुमाओं तलीहा बिन खुवैल्द और मुसैलमा कज़्ज़ाब पर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हों की फतह पर हुआ। इसके बाद खालिद बिन वलीद ने इराक में फुरात की वादी में ईसाई अरब कबाइल और सासानी सल्तनत के फौजों के खिलाफ हरकत में आए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने शाम में मुस्लिम फौजों की कमान करने के लिए आपको दोबारा मुंतखब किया। जंग अजनादीन जो 634 ईस्वी में लड़ी गई, जंग फहल 635, मुहासरा दमिश्क 635 और जंगे यरमूक 636 ईस्वी में खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हों की क्यादत
قیادت میں بازنطینیوں کے خلاف فیصلہ کن فتوحات حاصل کیں، جس کے نتیجے میں آپ نے عراق کا بیشتر حصہ فتح کر لیا۔ خالد بن ولید کو بعد ازاں عمر بن خطاب کے ذریعے فوج کی اعلیٰ کمان سے ہٹا دیا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جانشین ابو عبیدہ بن الجراح کے ماتحت حمص اور حلب کے محاصروں اور جنگ حاضر میں خدمات انجام دیں۔ ان جنگوں میں شہنشاہ ہرقل کے ماتحت شام سے سامراجی بازنطینی فوجوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس فتح کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 638 عیسوی میں قنصرین کی گورنری سے برطرف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال حمص میں 642 عیسوی میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مورخین ابتدائی اسلامی دور کے سب سے زیادہ تجربہ کار اور کامیاب جرنیلوں میں سے ایک تصور کرتے ہیں۔ اسلامی روایت خالد بن ولید کو ان جنگی حکمت عملیوں اور مسلمانوں کی فتوحات کی مؤثر قیادت کا سہرا دیتی ہے۔ ابو سلیمان خالد بن ولید تاریخ کے ان چند فوجی کمانڈروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ساری زندگی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ خالد بازنطینی رومی سلطنت، فارسی ساسانی سلطنت اور ان کے اتحادیوں کے اعلیٰ افواج کے خلاف 100 سے زائد لڑائیوں میں ناقابل شکست رہے۔ آپ کا نام خالد، ابو سلیمان کنیت، سیف اللہ لقب اور آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم مخزومی۔ والدہ کا نام لبانہ تھا اور یہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قریبی عزیزہ تھیں۔ 8 ہجری میں جنگ موتا میں جب حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہما تینوں سپاہ سالاروں نے یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کیا تو اسلامی فوج نے آپ کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان زمانہ جاہلیت سے معزز چلا آتا تھا۔ قبا اور آنا یعنی فوج کی سپہ سالاری اور فوجی کیمپ کے انتظام کا عہدہ آپ ہی کے خاندان میں تھا، اور ظہور اسلام کے وقت خالد بن ولید اس عہدے پر فائز تھے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کا جو دستہ مسلمانوں کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے آیا تھا، اس کے سردار خالد بن ولید تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف بڑی شجاعت سے لڑے اور مشرکین مکہ کے اکھڑے ہوئے پاؤں آپ ہی کی ہمت افزائی سے دوبارہ جمے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ سب سے زیادہ مستند روایت مسند احمد بن حنبل کی ہے، جو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے سلسلے میں ان کے مضمون میں لکھی گئی ہے۔ اس کی روح سے آپ کے اسلام قبول کرنے کا زمانہ 6 ہجری اور 8 ہجری کے درمیان ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لانے کے قصد سے حبشہ سے چل کر عرب آئے اور مدینہ طیبہ کا رخ کیا تو راستے میں قریش کا ایک اور خوش قسمت ہیرو اسی غرض سے مدینہ کا رخ کرتا ہوا نظر آیا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ بھی اسلام ہی لانے کی نیت سے مدینہ جا رہے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو راستے میں دیکھ کر پوچھا، کہاں کا قصد ہے؟ خالد بولے، خدا کی قسم خوب پانسا پڑا، یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً نبی ہے، چلو اسلام کا شرف حاصل کریں۔ چنانچہ یہ دونوں ایک ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اور پہلے خالد بن ولید پھر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ واپس لوٹ آئے، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کا وہ اعزاز قائم رکھا جو اسلام سے قبل تھا۔ اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ فتوحات اسلامی میں بڑی مدد ملی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح اسلام سے پہلے مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، اسی طرح اسلام کے بعد آپ مشرکوں کے لیے سخت ترین خطرہ بن گئے۔ چنانچہ اکثر غزوات میں آپ کی تلوار مشرکین کا شرازہ بکھیرتی رہی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی اس غزوے میں کفار کی طرف سے شریک ہوئے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ 313 نے کس طرح 1000 کے لشکر کو شکست دی ہے تو خالد بن ولید اس سوچ میں پڑ گئے، کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ کس طرح سے وہ عام لوگ جو کل تک مکہ کی گلیوں میں ہمارے ہی ساتھ گھوما پھرا کرتے تھے، آج کس طرح ایک عسکری طاقت بن گئے؟ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ
लाह जादू और काहिन कहकर पुकारा करते थे। मुशरिकीन जब खालिद बिन वलीद को ये बताते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, तो खालिद दिल में ये सोचने पर मजबूर हो जाते कि अगर जंगी क़यादत उनके हाथ में भी हो तो वो भी इस जादू के करतब दिखा सकते हैं। और इसी के नतीजे में खालिद अक्सर कुफारे मक्का से ये कहा करते थे कि मेरे अस्करी जज्बे को मुसलमान ही समझ सकते हैं और इसकी कदर कर सकते हैं। इस्लाम लाने के बाद सबसे पहले गज़वाए मौता में आप शरीक हुए। ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम के सिलसिले में हारिस बिन उमैर अज़दी के हाथ एक ख़त शाम बसरा के पास भेजा। ये बुजुर्ग सहाबी ख़त लेकर मकाम मौता तक पहुँचे थे कि शर्जील बिन अमर गस्सानी ने उन्हें शहीद कर दिया। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आम मुसलमानों पर इसका सख्त असर हुआ। चुनाचे आपने इसके इंतकाम के लिए 2000 सहाबा कराम की जमीयत जैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरकर्दगी में रवाना की और हिदायत फरमाई कि अगर जैद बिन हारसा शहीद हो तो जाफर तैयार उनकी जगह लें, और अगर ये भी शहीद हों तो अब्दुल्ला बिन रवाहा कायम मुकामी करेंगे, और अगर अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो जाएं तो फौज मौके की मुनासिबत से अपना सिपह सलार खुद ही चुन ले। चुनाचे इसी तरतीब से इन तीनों बुजुर्ग सहाबा कराम ने मैदान जंग में जाम शहादत नोश किया। इस्लामी फौज में शामिल अफराद खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की अस्करी क़यादत से वाकिफ थे। सब ने मिलकर शोर बुलंद किया, खालिद 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 हमारा सरदार है, खालिद हमारा सिपह सालार है, खालिद अलम संभालो, खालिद अलम संभालो। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बढ़कर अलम संभाल लिया, मगर मुसलसल तीन सिपह सालारों की शहादत से मुसलमानों के दिल टूट चुके थे, इसलिए वो रूमी फौज को शिकस्त तो ना दे सके, मगर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जंगी काबिलियत से बाकी फौज को तबाही से बचा लिया। इसी जंग में खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से 9 तलवारें टूटी, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लकब अता फरमाया। फतह मक्का में आप रजी अल्लाह ताला अन्हु मेमना दस्ते के सिपह सलार थे, लेकिन जंग की नौबत न आई। रऊसाए कुरैश ने बिला मुज़ाहमत हथियार डाल दिए। सिर्फ चंद मुशरिक हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों मारे गए। हुआ कुछ यूं कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो अपना दस्ता मक्का के बालाई हिस्से गदा की जानिब से लेकर आए। चुनाचे आप रजी अल्लाह ताला अन्हु इस रास्ते से आ रहे थे कि रास्ते में मुशरिकों का एक जत्था जाहिम हुआ और आप पर तीरंदाजी शुरू कर दी। खालिद बिन वलीद ने भी जवाबी हमला किया, इसमें चंद मुशरिक मारे गए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को खबर हुई तो आपने खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु से बासपुर्स की। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इब्तिदा मुशरिकीन की जानिब से ही हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, खैर जो हुआ उसमें अल्लाह की बेहतरी थी। फतह मक्का के बाद बनू सकीफ और हवाजन औतास के मैदान में जमा हुए। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को खबर हुई तो आप 12,000 फौज के साथ मुकाबला करने के लिए निकले। कबाइल के लिहाज से फौज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया। बनू सलीम का कबीला सबसे आगे था, इसकी क़यादत और कमान हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में थी। चुनाचे इस जंग में वो नहायत शुजात और शहामत से लड़े और बहुत से वार जिस्म पर खाए। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इयादत के लिए तशरीफ लाए, जख्मों पर दम किया और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु उन जख्मों से जल्द शिफायाब हो गए। गज़वाए हुनैन की मुशरिकों की फौज बढ़कर ताइफ में किला बंद हो गई, और जैसे ही मुसलमान उधर से गुजरे उन्होंने किले के अंदर से तीर बरसाना शुरू कर दिए। बहुत से मुसलमान शहीद हुए, मुसलमानों ने भी मुदाफियाना हमला किया। इस फौजी दस्ते की कमान भी खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की मातहती में थी। 9 हिजरी में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को खबर मिली कि रूमियों ने मुसलमानों के खिलाफ शाम में फौज जमा की है और इसका मुकदमतुल जैश बलका तक पहुंच चुका है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम 3,000 फौज लेकर मुकाबले को निकले, लेकिन ये खबर गलत निकली और जंग की नौबत नहीं आई। ताहम एहतियातन 20 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तबूक में मुकीम रहे। इसके नवाह के अरबी नस्ल ईसाई रऊसा कैसरे रोम के मातहत थे।
उन्हीं के जरिए से रूमी रेशा दवानियां किया करते थे, इसलिए उनका मोती करना बहुत जरूरी था। चुनाचे ईला और उजूख के रईसों ने इताअत कबूल की। सिर्फ दोमतौल जंदल का रईस उकदैर बिन मालिक बाकी रह गया। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को 400 आदमियों के साथ उसको मोती बनाने पर मामूर फरमाया। उकदैर के भाई हसन ने मुकाबला किया मगर मारा गया और उसके बकिया साथी भाग कर किले में पनाह कुजीन हो गए। खालिद ने उकदैर को गिरफ्तार करके आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया। यहाँ आकर उसने जजिया देकर इताअत कबूल की और आपने उसकी जान और माल को अमान नामा अता फरमाया। 9 हिजरी में दावत इस्लाम के सिलसिले में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को 300 मुहाजरीन और अंसार के साथ बनू खुज़ैमा की तरफ भेजा। खालिद ने आपकी हिदायत के मुताबिक उनको इस्लाम की दावत दी। उन्होंने कबूल कर ली मगर ना वाकफियत की वजह से सही अल्फाज में इस्लाम का इजहार ना कर सके और बजाय असलम ना के यानी हम इस्लाम लाए सबाना कहा यानी हम बेदीन हो गए। मुशरिकीन से वो मुसलमानों को यानी बेदीन कहते सुनते थे, इसलिए उन्होंने भी उन्हीं अल्फाज में इस्लाम का इजहार किया। हजरत खालिद बिन वलीद इसको ना समझ सके और सबकी गर्दनें उड़ाने का हुक्म दे दिया। बहुत से मुहाजरीन और अंसार ने इस हुक्म की तामील से इनकार कर दिया, फिर भी बतहरे लोग मारे गए। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक्य सुना तो बहुत मुतासिफ हुए और हाथ उठाकर फरमाया, खुदाया कि मैं खालिद के इस फेल से बरी हूँ। फिर हजरत अली बिन अबी तालिब अल्लाह ताला अन्हु को उन सब की दियत देकर भेजा। उन्होंने सबको जानो माल का पूरा मुआवजा दिया और कुत्तों तक का खून बहा अदा किया और इसके बाद जितना माल बचा सब उन्हीं लोगों में तकसीम कर दिया। इस सिलसिले का एक और सरिया 10 हिजरी में हजरत खालिद बिन वलीद की सरकर्दगी में बनू अब्दुल मदान बिजरानी की तरफ भेजा गया। चूंकि एक मरतबा खालिद बिन वलीद की जल्दबाजी का तल्ख तजर्बा हो चुका था, इसलिए इस मरतबा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर से हिदायत फरमा दी कि महज इस्लाम की दावत देना, तलवार ना उठाना। हजरत खालिद बिन वलीद ने इसकी पूरी पाबंदी की और मैदान जंग के सिपाही दफअतन मुबल्लिगे इस्लाम के कालिब में आ गए और उनकी कोशिश से बनू अब्दुल मदान ने इस्लाम कबूल कर लिया और सैफुल्लाह ने उनकी मजहबी तालीम और तरबियत के बाद जब ये लोग इस्लामी मसाइल से वाकिफ हो गए तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। आपने सबको तलब फरमाया, चुनाचे ये लोग हाजिर हुए और दीदार जमाल नबवी से फैजयाब होकर वापस गए। उज़्ज़ा कुरैश व कनाना का सनम कदा था जिसकी ये लोग बड़ी अजमत करते थे। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को इसको गिराने पर मामूर फरमाया। उन्होंने आपके हुक्म की तामील की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने वहाँ कुछ देखा भी? अर्ज किया, नहीं। आपने फरमाया, फिर जाओ, इसको गिराने का एतबार नहीं। चुनाचे दोबारा वापस गए। इस मरतबा यहाँ एक भयानक शक्ल की औरत निकली। यही औरतें सनम कदों में अखलाकियों की बुनियाद होती थीं। खालिद बिन वलीद ने इसका काम तमाम करके आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। फरमाया, हाँ, अब तुमने अपना काम पूरा किया। अहद सिद्दीकी में जब मुदाइयान नबूवत का फितना उठा और उसके इस्तेहसाल के लिए फौजें रवाना की गईं, तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु तलीहा की सरकूबी पर मामूर हुए। आपने उसका बहुत कामयाब मुकाबला किया और उसके आवान और अंसार को कत्ल और उसके कुव्वत बाजू एनिया बिन हसीन को 30 आदमियों के साथ गिरफ्तार करके पाबा जौलान दरबार खिलाफत में हाजिर किया। यमामा में शर्जील बिन हसना मशहूर कज्जाब मुसैलमा से बरसरे पैकार थे। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु तलीहा से फारिग होकर उनकी मदद को आगे बढ़े। रास्ते में मजाआ मिला। मजाआ बिन मरारा मुसैलमा कज़्ज़ाब का सिपह सालार था जो इत्तेफाक से खालिद बिन वलीद के सामने आ गया। मजाआ के साथ सिर्फ 30 साथी थे। खालिद बिन वलीद ने उसको गिरफ्तार किया और यमामा पहुँचे। यहाँ आपने वो मशहूर जंग जो तारीखों में जंग यमामा के नाम से मशहूर है, इस खूनरेज लड़ाई में वहशी बिन हर्ब के हाथों मुसैलमा कज़्ज़ाब मारा और ये जंग मुसलमानों ने जीत ली। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो मुद्दाइयाने नबूवत की मुहिम से फारिग होकर मुनकरीन ज़कात और मुर्तदीन की तरफ बढ़े और सबसे पहले असद व गितफान से निबर्दाजमा हुए। इनमें कुछ जान से मारे गए और कुछ गिरफ्तार हुए। जो बाकी बचे वो ताइब हो गए। इन मारकों के अलावा इर्तदाद के सिलसिले में जिस कदर लड़ाइयाँ हुई उन सब में हजरत खालिद बिन वलीद पेश पेश थे। तारीख तिबरी के ये अल्फाज हैं कि इर्तदाद में जितनी फतेहें हुई वो खालिद बिन वलीद
रजी अल्लाह ताला अन्हों का कारनामा है। जजीरतुल अरब उस अहद की दो अजीम सल्तनतों के दरमियान घिरा हुआ था। एक तरफ शाम में रूमी छाए हुए थे, दूसरी तरफ इराक पर कियानी खानदान काबिज था। ये दोनों सल्तनतें हमेशा अरबों की आजादी सलब करने की फिक्र में रहती। गो पूरे तौर पर अरबों पर उनका काबू न चला, ताहम जब भी उनको मौका मिला उन्होंने अरब पर तसल्लुत जमाने की कोशिश की। यमन के हुमैरी खानदान का खात्मा ईरानियों के हाथों हुआ। गो हुमैरी बराए नाम हुक्मरान रहे, मगर इसका स्याह सफेद तमाम ईरानियों के हाथ में था। बहरीन और अम्मान भी इनके जेरे असर थे। इनके अलावा मुख्तलिफ औकात में अरब के 16 मुकामात ईरानी मर्ज़बानों के कब्जे में रह चुके थे। इराकी लहमी खानदान को भी ईरानियों ने ही मिटाया। ईरानियों का ये इक्तदार ज़ुहूर इस्लाम के वक्त तक बाकी था। चुनाचे जंगे ज़िकार में जब ईरानियों ने अरबों से शिकस्त खाई तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज अरब ने अजम से अपना मुनसिफाना बदला ले लिया। यही हाल कैसरी हुकूमत का था। जब जब इसको मौका मिलता शाम की जानिब सरजमीन अरब में कदम बढ़ाती रही। शाम में जो अरब खानदान आबाद थे उन पर आले जफना कैसर की जानिब से हुकूमत करते थे। गो आले जफना अरबी नस्ल थे, लेकिन उनका तकर्रुर कैसरी हुकूमत करती थी। हबशा के ईसाइयों ने रूमियों के इशारे से अरब की मरकजियत तोड़ने के लिए यमन को फतह करके सना में एक काबा बनाया कि खाने काबा के पुजारी तकसीम हो जाए। ज़ुहूर इस्लाम के बाद जब अरब मुत्तहिद होकर एक मरकज पर जमा हो गए तो इन दोनों सल्तनतों के लिए अरब का सवाल और ज्यादा अहम हो गया। अगर पहले मुल्क गिरी की हविस थी तो अब अरबों से सियासी खतरा नजर आ रहा था। चुनाचे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसरो परवेज को दावत इस्लाम का खत लिखा तो उसने चाक कर डाला और बोला, मेरा गुलाम मुझको यूं लिखता है, और फौरन आपकी गिरफ्तारी का फरमान जारी किया। इसी तरह शर्जील बिन अमरो ने जो कैसर की जानिब से बसरा का हाकिम था आ हजरत वसल्लम के कासिद को कत्ल करा दिया। गर्ज इन हालात में अरब की खुद मुख्तारी को बाकी रखने के लिए जरूरी था कि इन दोनों पर यह हकीकत जाहिर हो जाए कि अब अरबों से खेलना आसान काम नहीं है। ताहम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त तक कोई पेश कदमी नहीं की, लेकिन वो कबाइल जो हमेशा से ईरानी हुकूमत का तख्ता मश्क बनते चले आ रहे थे इंतकाम के जज्बात से लबरेज थे। चुनाचे अहद सिद्दीकी में जब ईरान में बदनज़मी पैदा हुई और ईरानी ने किसरा बिन हरमस की लड़की को ईरान के तख्त पर बिठाया तो इन कबाइल के जज्बात इंतकाम दफ़तन भड़क उठे और मसना बिन हासा शेबानी ने अपना जत्था लेकर इराक अजम की सरहद पर ताख्तो ताराज शुरू कर दी। लेकिन बगैर खलीफा वक्त की सरपरस्ती के कामयाबी मुश्किल थी, इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों से बाज़ाब्ता इजाजत हासिल की। आपने खालिद बिन वलीद को उनकी इमदाद पर मामूर किया और शरफ इमारत भी अता किया। चुनाचे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हों फितना और इर्तदाद की मुहिमों से फारिग होकर इराक की तरफ बढ़े और मुकाम नबाज में मसना से मिल गए और बानकिया और बारसोमा के हाकिमों को मुतीक करते हुए ईला की तरफ बढ़े। ये मुकाम जंगी नुक्ताए नजर से बहुत अहम था। यहाँ अरब और हिंदुस्तान के बर्री और बहरी खतूत आकर मिलते थे। चुनाचे यहाँ का हाकिम हरमजान इन्ही रास्तों से दोनों मुकाम पर हमले किया करता। शाह हरमस को मुसलमानों की पेशकदमी की खबर हुई तो फौरन उरत शीर को ईरान में इत्तला भेजी और खुद मुकाबला करने के लिए बढ़ा। काजिमा में दोनों का मुकाबला हुआ। ईरानियों ने अपने आप को जंजीरों में जकड़ लिया कि पांव ना उखड़ने पाए, लेकिन काका बिन अमरों की शजाअत ने जंजीर आहन के टुकड़े कर डाले और ईरानियों को बुरी तरह शिकस्त दी। अभी ये इराक की फौज कशी का मारका खत्म हुआ था कि ईरानियों की इमदादी फौज को जो कारन बिन करियानस की मातहती में हरमस की मदद को आ रही थी, मजार में हरमस के कत्ल और ईरानियों की शिकस्त की खबर मिली। इसलिए कारन ने इसी जगह अपनी फौज की तंजीम की और शिकस्त खुर्दा फौज के सरदार कवाज और अनुशुजान को अमीरुल अस्कर बनाकर नहर के करीब पड़ाव डाला। खालिद को इत्तला हुई तो वो फौज लेकर मजार की तरफ बढ़े। लबे दरिया दोनों का मुकाबला हुआ। माकल बिन अशी रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कारन बिन करियानस को और आसिम बिन अमरों ने अनुशुजान को और अदी बिन हातिम ने कवाज को खत्म किया और इस शिद्दत की जंग हुई के 30,000 ईरानी मारे गए। ये तादाद उसके अलावा है जो नहर में डूबकर मरे।
जंगे मजार के अंजाम की खबर ईरान पहुंची तो उरत शीर ने इंदर जरगर और बहमन जाजविया को यक के बाद दीगरे मुसलमानों के मुकाबले के लिए रवाना किया। इंदर जरगर मदाइन और कस्कर होता हुआ वलजा पहुंचा। हैरा और कस्कर के तमाम दहकानी और आस पास के अरब भी ईरानियों की हिमायत में अपनी अपनी फौजें लेकर इंदर जरगर के करीब आकर खेमाजन हुए। इस दरमियान में बहमन जाजविया भी पहुंच गया। खालिद बिन वलीद को खबर मिली तो सुएद बिन मकरन को एक दस्ते पर मामूर करके जरूरी हिदायत देकर पीछे छोड़ा और खुद बढ़कर मोर्चाबंदी में मसरूफ हो गए और साहिल की कुर्बत से फायदा उठाकर नशीबी जमीन में थोड़ी फौज छुपा दी कि जंग छिड़ने के बाद वो निकलकर हमला आवर हो जाए। इस इंतजाम से फरागत के बाद जंग छिड़ गई। देर तक घुमसान का रन पड़ता रहा। जब फरीकैन थकने लगे तो मुसलमान घुड़सवार दस्ते कमी गाहों से निकलकर टूट पड़े। इस अचानक हमले ने ईरानियों के पांव उखाड़ दिए, मगर वो जिधर जाते मुसलमान सामने थे, इसलिए जो सिपाही जहां था वहीं खत्म हो गया। इंदर जरगर निकलकर भागा, लेकिन प्यास की शिद्दत से वो मर गया। जंग के बाद मुसलमानों ने आम आबादी से कोई तआरुज़ नहीं किया और उनको पूरी आजादी दे दी। गुज़िश्ता जंग में अरबी नस्ल ईसाई कबाइल भी ईरानियों के साथ हो गए। उरत शीर ने बहमन को अरबी कबाइल से मिल जाने का हुक्म दिया। चुनाचे बहमन जाजविया उल्लैस की तरफ बढ़ा और यहाँ के हाकिम जाबान को यह हिदायत दी कि मेरी वापसी तक जंग शुरू ना करना, और खुद उरत शीर के पास मशवरे के लिए चला गया। वहां से लौटा तो बाकी अरबी कबाइल और अरबी छावनी की ईरानी सिपाह इकट्ठी हो चुकी थी। इस दरमियान में खालिद भी पहुंच गए और उनके पहुंचते ही जंग शुरू हो गई। देर तक किश्त खून का सिलसिला जारी रहा। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने मनादी करा दी कि लड़ाई रोक कर लोगों को सिर्फ गिरफ्तार करो। चुनाचे मुसलमान फौजियों ने लड़ने वालों को जिंदा गिरफ्तार करके नहर के किनारे कत्ल करना शुरू कर दिया। कहीं आगे जाकर नहर पर बंद था। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने हुक्म दिया कि उस बंद को खोल दिया जाए। जब हजारों फौजियों को कत्ल करके नहर में डाला गया तो उस नहर का पानी खून से भर गया, और जब उस नहर बादे कुली का बंद तोड़ा गया तो खून का दरिया जारी हो गया। उलैस की फरागत के बाद खालिद बिन वलीद मुगैशिया की तरफ बढ़े। यहाँ के बाशिंदे मुसलमानों का रुख देखकर पहले ही शहर खाली कर चुके थे, इसलिए यहाँ जंग की नौबत ही नहीं आई। मुगैशिया के करीब ही हैरा था। यहाँ के हाकिम अजदबा को खतरा पैदा हुआ कि मुसलमान अब मुगैशिया की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए उसने हिफ्ज मा तकदम के तौर पर अपने लड़के को खालिद बिन वलीद को रोकने के लिए आगे भेज दिया और पीछे से खुद मदद के लिए पहुंचा। अब मुगैशिया और हैरा के दरमियान नहरे फुरात थी। अजदबा के लड़के ने इसका बंद बांध दिया। इससे मुसलमानों की कश्तियां रुक गईं और मल्लाहों ने जवाब दिया कि ईरानियों ने नहर का रुख फेर दिया है, इसलिए कश्तियां नहीं चल सकती। मुसलमान कश्तियों से उतर पड़े और घोड़ों पर अजदबा के बेटे की तरफ बढ़े। फुरात के दहाने पर दोनों का मुकाबला हुआ। अजदबा का बेटा मारा गया और फौज भी तबाह हुई। इसके बाद दरिया का बंद खोल कर मुसलमान हैरा की तरफ बढ़े, लेकिन उनके पहुँचने से कबल अजदबा हैरा छोड़ चुका था। मुसलमान मुकाम गरीन में ठहर गए। हैरा में जो लोग बाकी रह गए थे वो इस अरसे में किला बंद हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने उनका मुहासरा कर लिया। पहले सुलह की गुफ्तगुशनीद होती रही, लेकिन ये बेनतीजा रही। ईरानियों ने किले के ऊपर से संगबारी शुरू कर दी। मुसलमानों ने पीछे हटकर तीरों से जवाब दिया और किला और महलात की दीवारें छलनी कर दी। जब शहरी आबादी मुहासरे से घबरा गई तो कसीसून और राहिबों ने किला वालों से फरियाद की कि इस खूनरेजी की सारी जिम्मेदारी तुम पर है, इसको फौरन बंद करो। आखिर में जब किला वालों ने भी आजिज होकर खालिद बिन वलीद से सुलह की गुफ्तगू करके 1,90,000 सालाना खराज पर सुलह की, और हजरत खालिद बिन वलीद ने एक मुफस्सल सुलह नामा लिखकर हवाले किया। हैरा की सुलह के बाद अतराफ के काश्तकारों और दही आबादियों ने भी, जो हैरा की शराइत की मुंतजर थी, 20,00,000 सालाना पर सुलह कर ली। हैरा की कामिल तस्खीर के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने मुहाफिजीन सरहद में जरार बिन अजवर, जरार बिन ताब, काका बिन अमरो, मसना बिन हारसा और उत्बा बिन शमास को दजला की तराई में बढ़ने का हुक्म दिया। ये लोग साहिल तक बढ़ते हुए चले गए। उस वक्त गो उरत शीर मर चुका था और ईरानियों में अंदरूनी इख्तलाफात का तूफान बरपा था, लेकिन मुसलमानों के मुकाबले में सब मुत्तहिद थे। तिबरी के ये अल्फाज हैं कि उरत शीर की मौत की वजह से बातियात के बारे में ईरानियों में इख्तलाफ था, लेकिन खालिद से जंग के बारे में सब मुत्तहिद और एक दूसरे के मुआविन थे। चुनाचे उन्होंने अपनी मरकजियत कायम करने के लिए फर्रुख जात को अनाने हुकूमत सुपुर्द कर दी और उनकी फौजें ऐनुत्तमर, अम्बार और फरास तक फैली हुई थी।
थी, इसलिए खालिद हैरा के बाद अंबार की तरफ बढ़े। लेकिन उनके पहुंचते पहुंचते यहाँ के बाशिंदे किला बंद हो चुके थे, चुनाचे उनके पहुंचते ही जंग शुरू हो गई। ईरानी किले के अंदर से तीरबारी कर रहे थे, इसलिए मुसलमानों का जवाबी हमला मौसर न होता। हजरत खालिद बिन वलीद ने किले का अंदाजा किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने अपनी फौज से 1000 निशानेबाज तीर अंदाज अलग कर लिए और उनको हुक्म दिया कि किले की दीवारों पर खड़े फौजियों की आंखों में एक एक तीर मारो और फिर थोड़ी देर बाद एक एक और तीर मारो, इस तरह सिर्फ 3 तीर मारो। अब खालिद की इस जंगे हिकमत अमली का आप अंदाजा लगाइए कि उन्होंने 3000 तीर जब अपने तीर अंदाजों से हवा में छुड़वाए तो बेशतर तीर रूमियों की आंखों में जाकर लगे। इस मुसीबत ने अंबार के बाशिंदों को घबरा दिया और फौज बदहवास हो गई। शेरजाद ईरानी सिपह सलार ने यह सूरत हाल देखकर सुलह का पैगाम दिया, लेकिन ऐसी शराइत पेश की कि खालिद उनको मंजूर न कर सके और खंदक का जो हिस्सा ज्यादा तंग था उसमें अपने वो ऊंट जो बीमार या कमजोर थे उनको ज़िबह करके उस खंदक में पाट दिया और मुसलमान फौजों को हुक्म दिया कि ये तुम्हारे लिए गोश्त और हड्डियों का पुल है, इसे पार करके किले तक पहुंच जाओ। ईरानियों ने जब ये अजीबोगरीब तदबीर देखी तो वो किले के अंदर और सिमट गए, मगर वो आंखों की निशानाबाजी से पहले ही घबरा चुके थे। मुसलमानों की इस गैर मुतवक्के आमद से उनकी हिम्मत टूट गई और शेरजाद ने बहमन की फौज की हालत जताकर सुलह पर आमादा कर लिया। इसके बाद अंबार के बाशिंदों ने सुलह की ख्वाहिश की, चुनाचे पहले अबू अजीज वाले फिर अहले कवाजी ने सुलह कर ली। खालिद बिन वलीद अंबार की मुहिम में मसरूफ थे। बहराम चौबीन का लड़का मेहरान बिन बहराम मुसलमानों के मुकाबले के लिए ऐनुत्तमर पहुंच गया। अरबी कबाइल में नमर, तगलब और अयाद अका बिन अका के साथ अलहदा मुकाबले पर आमादा थे, इसलिए खालिद अंबार के बाद ऐनुत्तमर की तरफ बढ़े। ईरानियों ने अपनी सिपाह को किलों में महफूज कर दिया और अरबी कबाइल को मुसलमानों के मुकाबले के लिए बढ़ाया और उन पर जासूस मुतय्यन कर दिए कि अगर उनमें कोई कौमी असबियत नजर आए तो फौरन तदारुक हो सके। बाज इंसाफ पसंद ईरानी इस पर मोतरिज हुए। उनको जवाब दिया गया कि इन्हीं की कौम ने हमारा मुल्क तबाह किया है, इसलिए उन्हें आपस में लड़ाना चाहिए। अका बिन अभी अका किर्ख में अपनी फौज मुरतब कर रहा था कि खालिद बिन वलीद पहुंच गए और उसको गिरफ्तार कर लिया। उसकी फौज ने सरदार की गिरफ्तारी से घबरा कर मैदान जंग छोड़ दिया। जो बच गए वो गिरफ्तार हुए। खालिद बिन वलीद उनकी कौम फरोशी पर बहुत मुश्ताइल थे, इसलिए पहले अका बिन अभी अका का काम तमाम कर दिया, फिर सबकी गर्दनें उड़ा दी। मेहरान को अरबों की हालत की खबर मिली तो वो किला छोड़कर भाग गया, लेकिन जब शिकस्त खुर्दा अरब वहां पहुंचे तो फिर उसकी हिम्मत बंधी और ईरानी किला बंद हो गए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो सीधे किले तक पढ़ते चले गए। ईरानियों ने निकलकर मुकाबला किया और थोड़े मुकाबले के बाद किले में दाखिल हो गए। मुसलमानों ने किले का मुहासरा कर लिया। बिला आखिर ईरानियों ने सुलह की दरख्वास्त की, लेकिन खालिद ने इनकार कर दिया और बजोर शमशीर किला फतह किया। लेकिन फतह के बाद भी कोई सख्ती नहीं की और मामूली खिराज के सिवा जमीन पर कोई टैक्स नहीं लगाया। दोमता अलजंदल में हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हुआ करती थीं। चुनाचे अहद रिसालत में भी इसी किस्म की साजिश तैयार हुई थी, इसलिए गजवाए दोमता अलजंदल हुआ था। अहद सिद्दीकी में फिर इसका जहूर हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसके तदारुक के लिए अयाज बिन गनम को रवाना किया, लेकिन कलब गुस्सान और तनूख के कबाइल मुत्तहिद थे, इसलिए अयाज के लिए उन सबका मुकाबला करना दुश्वार था। उन्होंने खालिद को मदद के लिए बुला भेजा। वो इराक की मुहिम छोड़कर अय्यास की मदद को चले आए। उस वक्त यहाँ 2 हुक्मरान थे, उगदैर बिन मालिक और जूदी। उगदैर को खालिद बिन वलीद अहदे रिसालत में मुती कर चुके थे, इसलिए वो खालिद बिन वलीद की खबर सुनकर खौफ से जूदी की हिमायत से किनारा कश हो गया और जब जूदी जंग के लिए बिल्कुल आमादा हो गया तो उगदैर दोमताल जंदल छोड़कर हट गया, मगर चूंकि पहले उसका शरीक रह चुका था इसलिए गिरफ्तार करके से कत्ल कर दिया गया। खालिद बिन वलीद और अय्याज ने 2 समतों से दोमता उलजंदल का मुहासरा कर लिया। जूदी की फौज में मुतादिद अफसर थे, खुद जूदी, वदीआ कलबी, इब्ने रोमांस, इब्ने अहम और इब्ने हुदूद जान, इन सब ने मुत्तहिदा हमला किया। जूदी और वदीआ गिरफ्तार हुए, बाकी फौज किले में घुस गई, मगर किले में ज्यादा गुंजाइश नहीं थी, इसलिए फौज का एक हिस्सा बाहर रह गया। अगर मुसलमान चाहते तो उनमें से एक भी ना बच सकता, लेकिन हजरत आसिम बिन अमरों ने बनू कलब को मान दे दी और खालिद बिन वलीद ने जूदी को कत्ल करा दिया और किले का फाटक उखाड़ कर अंदर घुस गए और किले पर काबिज हो गए।
हजरत खालिद बिन वलीद के इराक छोड़कर शाम चले आने के बाद जजीरा के अरबों ने ईरानियों को इराक की वापसी पर तवज्जो दिलाई। वो उनका इशारा पाते ही आमादा हो गए और जर महर और रोजबा ने खिनाफिस और हुसैद की तरफ फौजें बढ़ा दी। जबरकान बिन बदर हाकिम अंबार ने काका बिन अमरो हाकिम हैरा को इतला दी। उन्होंने ईरानियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसी वक्त अलग अलग फौजें अबद बिन कद और उरवा बिन जाद की क्यादत में दोनों मुकामात पर रवाना कर दी। इन दोनों ने आगे बढ़कर रीफ में इनको रोक दिया। रोजबा और जरमहर यहाँ अरबों का इंतजार कर रहे थे कि खालिद बिन वलीद दोमतौल जंदल से हैरा वापस आ गए, लेकिन उमराउल कैस बिन कलबी ने इतला भेजी कि हजियल बिन इमरान और रबिया बिन बुजैर सनी में और बशर में रोजबा और जरमहर की इमदाद के लिए फौजें लिए पड़े हैं। ये खबर सुनकर खालिद ने अय्यास को हैरा में छोड़ा और खुद काका बिन अमरो और अबू लैला की मदद को खुनाफिस रवाना हो गए। ये दोनों ऐन तमर में थे। खालिद यहीं आकर उनसे मिले और काका बिन अमरो आगे बढ़े। रोजबा ने जरमहर से मदद तलब की। वो मदद लेकर पहुंचा। हुसैद में दोनों का मुकाबला हुआ। जरमहर और रोजबा दोनों मारे गए और उनकी फौज हटकर खुनाफिस में जमा हो गई। अबू लैला ताकुब करते हुए खुनाफिस पहुंचे तो ईरानी खुनाफिस छोड़कर मुजीह चले गए। हजरत खालिद बिन वलीद को इसकी इतला दी गई। उन्होंने काका अबू लैला और उरवा को एक खास मुकाम पर रात में जमा होने का हुक्म दिया और खुद भी मुअय्यन शब वहां पहुंच गए और सब ने मिलकर मुत्तहिदा शबखून मारा। ईरानी बिल्कुल बेखबर थे, इसलिए मुदाफियत भी न कर सके और सब के सब मारे गए। रबिया बिन बुजैर सनी और बशर में बदस्तूर फौजें लिए खड़े थे। मुजीह के बाद खालिद बिन वलीद ने काका बिन अमरो और अबू लैला को सनी पर शबखून मारने का हुक्म दिया। चुनाचे एक मुकर्ररा शब को तीनों ने मिलकर तीन समतों से हमला किया। सिर्फ हजियल अमीरुल अस्कर बाकी बचा और बाकी सारी फौज मारी गई। हजियल सनी से भाग कर बशर पहुंचा। यहाँ भी अरबों का एक जत्था मौजूद था। हजरत खालिद बिन वलीद उसका सफाया करते हुए रजाब पहुंचे। यहाँ आका का लड़का बिलाल मुसलमान मानों का मुंतजर था, मगर खालिद बिन वलीद के आते आते ये भाग निकला। खालिद बिन वलीद रजाब होते हुए फराज की तरफ बढ़े। ये मुकाम जंगी नुक्ते नजर से बहुत अहम था। यहाँ शाम इराक और जजीरा की सरहदें मिलती थीं। शाम की सरहद की वजह से रूमी भी एक फरीक बन गए और उन्होंने ईरानियों की छावनी और कबीला तगलब और आयात से मदद मांगी। वो दोनों कबाइल फौरन आमादा हो गए और अब मुसलमानों का मुकाबला ईरानियों रूमियों और अरबी कबाइल की मुत्तहिदा फौज से था। इसलिए खालिद बिन वलीद ने भी नहायत एहतमाम से इस्लामी फौज को असरे नो मुंतजिम किया। फुरात के पास एक जानिब मुसलमान थे, दूसरी जानिब इत्तेहादियों ने पैगाम दिया कि या तो तुम दरिया उबूर कर आगे बढ़ो या हमें बढ़ने दो। खालिद बिन वलीद ने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया और फुरात के उस पार लबे दरिया दोनों का मुकाबला हुआ। मुसलमान नहायत पामर्दी से लड़े और इत्तेहादियों की फौजें पसपा होने लगी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की ललकार पर मुसलमान शहसवारों ने घेर घेर कर इत्तेहादी फौजों को मारना शुरू कर दिया। इत्तेहादी दोनों तरफ से घिरे हुए थे। पीछे हटते तो फुरात का लुकमा बनते और आगे बढ़ते तो सामने मुसलमानों की तलवारें थीं। इसी कश्मकश में सबके सब मारे गए। फतह के 10 दिन बाद तक मुसलमान यहाँ मुकीम रहे। इसके बाद हैरा लौट गए। इस मारके के बाद इराक की पेशकदमी रुक गई और खालिद बिन वलीद खुफिया तरीके से हज पर चले गए। खालिद बिन वलीद इराक की मुहिम सर कर चुके थे कि दरबारे खिलाफत से हुक्म पहुंचा कि इराक छोड़कर शाम में इस्लामी फौजों से मिल जाएं। इस हुक्म के मुताबिक हज से वापस होने के बाद इराक का इंतजाम मसना बिन हारसा की सुपुर्द करके आप शाम रवाना हो गए और रास्ते में हरदार अरक सवा हवारीन किस्म मरज और राहत वगैरह से निमटते हुए शाम पहुंचे और पहले बुसरा की तरफ बढ़े। बुसरा में इस्लामी फौजें पहले से आपकी मुंतजर थीं, इसलिए खालिद बिन वलीद ने आते ही बुसरा पर हमला करके पसपा कर दिया और इस शर्त पर सुलह की कि मुसलमान रूमियों की जानो माल की हिफाजत करेंगे और वो उसके एवज में जजिया देंगे। उस वक्त मुसलमान शाम के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हुए थे और हर कुल ने उनके मुकाबले के लिए अलग अलग दस्ते भेजे थे ताकि एक मरकज पर जमा न हो, लेकिन फलस्तीन की मुहिम हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक थी। बुसरा के बाद तजारिक और कुबकलार ने अजनादीन में अपनी फौजें ठहराई। खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा बुसरा से फारिग होकर अमरो बिन आस की मदद को पहुंचे। 13 हिजरी में मुकाम अजनादीन में दोनों फौजों का मुकाबला हुआ। तजारिक और कुबकलार दोनों मारे गए।
अजनादीन के बाद दमिश्क की तरफ बढ़े। अमीर फौज अबू उबैदा ने 3 समतों से इसका मुहासरा किया। 1 समत पर हजरत खालिद बिन वलीद मामूर हुए। 3 महीने कामिल मुहासरा कायम रहा, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। इस दरमियान में एक दिन दमिश्क के पादरी के घर लड़का पैदा हुआ। इस खुशी में जश्न मनाया गया और दमिश्क के शहरी बेफिक्रे शराब पीकर ऐसे बदमस्त होकर सोए कि दुनिया और माफिया की खबर न रही। खालिद बिन वलीद दौरान जंग में अक्सर रातों को सोते न थे, बल्कि फौजी इंतजामात और दुश्मनों की सुराग रसानी में लगे रहते। उनको इस वाकये की इतला हो गई। चुनाचे फौज को यह हिदायत देकर कि तकबीर की आवाज सुनते ही शहर पनाह के फाटक पर हमला कर दें। चुनाचे मुजाहिदीन ने हुक्म के तहत कमंदे डालकर शहर पनाह की दीवार के पार उतर गए और फाटक के चौकीदार को कत्ल करके किले के दरवाजे का कुफल तोड़ डाला और नारा तकबीर बुलंद किया। तकबीर की आवाज सुनते ही खालिद की फौज का दस्ता अंदर दाखिल हो गया। दमिश्क वाले अभी तक गाफिल सो रहे थे। नागहां वो इस नागहानी हमले से घबरा गए और हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह से सुलह की दरख्वास्त करके शहर पनाह के तमाम दरवाजे खुद खोल दिए। एक तरफ से खालिद बिन वलीद फातिहाना अंदाज में दाखिल हुए और दूसरी तरफ से अबू उबैदा बिन जर्राह मुसाहलेहाना तरीके से वस्त शहर में पहुंचे, जहां दोनों की मुलाकात हुई। गो हजरत खालिद ने निसफ हिस्सा बाजोर शमशीर फतह किया था, लेकिन खालिद बिन वलीद ने अबू उबैदा बिन अल जर्राह का एहतराम करते हुए सुलह की शराइत मान ली। दमिश्क की फतह ने रूमियों को बहुत बरहम कर दिया और वो बड़े जोशो खरोश के साथ मुकाबले के लिए आमादा हो गए। सुकलार रूमी फौज का सिपह सलार था, फोहल में फौजें लेकर खेमा जन हुआ। इसलिए मुसलमान दमिश्क के बाद उधर बढ़े। मुकदमतुल जैश खालिद बिन वलीद की कमान में था। इस मारके में भी रूमियों ने बुरी तरह शिकस्त खाई। फोहल के बाद अबू उबैदा और खालिद हम्स की तरफ बढ़े। यूहन्ना के कनीसा की वजह से ये मुकाम भी रूमियों का एक अहम मरकज था। हर कुल को खबर हुई तो उसने मुकाबले के लिए फौज भेजी। उसने दमिश्क की मगरबी समत मरजुर रोम में पड़ाव डाल दिया। मुसलमान भी आगे बढ़े और मरजुर रोम की दूसरी समत ठहरे। इस दरमियान में रूमियों की एक और फौज शिनिस की सरकर्दगी में पहुंच गई, लेकिन खालिद बिन वलीद तोजर के मुकाबले को बढ़े और अबू उबैदा शिनिस के। तोजर ने मुकाबला नहीं किया, बल्कि दमिश्क वापस लेने के इरादे से आगे बढ़ा। खालिद भी अकब से उसके साथ हो गए। दमिश्क में यजीद बिन अबी सुफियान मौजूद थे और शिनिस की खबर सुनकर उसको रोकने के लिए निकले। दमिश्क के बाहर दोनों में सख्त मारेका हुआ। अभी जंग का सिलसिला जारी था कि पीछे से खालिद बिन वलीद पहुंच गए और एक तरफ से उन्होंने और दूसरी तरफ से यजीद ने मिलकर रूमियों को पामाल कर दिया। इस मारके में चंद रूमियों के सिवा कोई न बचा। हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह ने मर्रा हम्स और लजाकिया वगैरह को लेकर बालबक और हम्स को फतह कर लिया। इन लगातार शिकस्तों ने रूमियों में आग लगा दी और 2 लाख का टिड्डी दल मुसलमानों के मुकाबले के लिए उमड़ आया। रूमी सिपाह सालार महान इसको लेकर यरमूक के मैदान में उतरा। उस वक्त मुसलमान शाम के मुख्तलिफ हिस्सों में मुंतशिर थे। ये सब एक मरकज पर जमा हो गए और तरफैन में जंग की तैयारियां होने लगीं। रूमियों के जोशो खरोश का अंदाजा इससे हो सकता है कि गोशा नशीन राहिब व कसीस अपनी अपनी खानकाहों से निकलकर मजहब का वास्ता दिलाकर रूमियों में जोश पैदा कर रहे थे। खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस जंग में कारहाए नुमाया अंजाम दिए। इस्लामी फौज के सिपह सलार तो उबैदा बिन जर्राह थे, लेकिन जंग की सूरत हाल देखते हुए अबू उबैदा ने सिपह सलारी के फराइज खालिद बिन वलीद को मुंतकिल कर दिए। खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए यह एक बहुत बड़ा एजाज था। खालिद ने इस्लामी फौज को 36 हिस्सों में तकसीम करके सब पर अलग अलग सालार मुकर्रर किए और जहाद पर नहायत वलवला अंगेज तकरीर की। इत्तेफाक से एक मुसलमान के मुँह से निकल गया कि रूमियों के मुकाबले में हमारी तादाद बहुत कम है। खालिद बिन वलीद ने यह सुना तो गजबनाक होकर बोले, फतह और शिकस्त तादाद की किल्लत और कसरत पर नहीं, बल्कि ताईद ईज़दी पर है। अगर मेरे घोड़े के सुम दुरुस्त होते तो मैं इससे दुगनी तादाद की भी परवाह न करता। जरूरी इंतजामात के बाद इकरिमा बिन अबू जहल और किनसता बिन अमरो को हमला करने का हुक्म दे दिया और यरमूक के मैदान में हंगामा कारजार गर्म हो गया। ऐन उस हालत में एक ईसाई रूमी फौज से निकलकर इस्लामी लश्कर में आ गया और खालिद से मजहब इस्लाम पर गुफ्तगू शुरू कर दी। अगर मैं तुम्हारे मजहब में दाखिल हो जाऊं तो क्या मेरे लिए आखरत का दरवाजा खुल जाएगा? रूमी फौजी ने खालिद से सवाल किया। खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, यकीनन। चुनाचे वो मैदान जंग में मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। इस जंग का सिलसिला मुद्दतों जारी रहा। मुसलमान सालारों ने गैर मामूली शुजात और बहादुरी का सबूत दिया। आखिर रूमियों ने ऐसी शिकस्त खाई कि फिर वो इतनी बड़ी जमीयत दोबारा ना फराहम कर सके। यरमूक की फतह के बाद अबू उबैदा बिन जर्राह ने खालिद
खालिद बिन वलीद को कंसरियन की तरफ भेजा और खुद हम्स वापस आ गए। मुकाम हाजिर में खालिद बिन वलीद को मीनास रूमी एक बड़ी जमात के साथ मिला। खालिद बिन वलीद ने उसको शिकस्त दी। अहले हाजिर ने अमान की दरख्वास्त की और कहा, हमको इस जंग से कोई ताल्लुक न था, हमारी राय भी इसमें शरीक न थी, इसलिए हमको अमान दी जाए। हजरत खालिद बिन वलीद ने उन लोगों की दरख्वास्त कबूल की और उन लोगों को अमान अता की। हाजिर से कंसरियन पहुंचे। अहले कंसरियन पहले जंग के इरादे से किला बंद हो गए, लेकिन फिर अहले हम्स के अंजाम पर गौर करके सुलह की दरख्वास्त की। हजरत खालिद बिन वलीद ने यह दरख्वास्त इस शर्त पर मंजूर कर ली कि शहर के इस्तेहकाम तोड़ दिए जाए। कंसरियन के बाद हर कुल बिल्कुल मायूस हो गया और शाम पर आखिरी निगाह डालकर उस दुनिया चला गया। चलते वक्त ये हसरत अंगेज अल्फाज उसकी जबान पर थे, ऐ मुल्क शाम, तुझको आखिरी सलाम है, मैं तुझसे जुदा होता हूँ। अफसोस, इस सरजमीन में जिस पर मैंने हुक्मरानी की है, इत्मीनान खातिर के साथ ना आ सकूंगा। कंसरियन के बाद बैतुल मुकद्दस का मुहासरा हुआ। ईसाइयों ने देखा कि जब वो जंग नहीं जीत सकते तो उन्होंने चाल चली कि वो बैतुल मुकद्दस का शहर मुसलमानों के हवाले करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन उम्र फारूक अपने हाथ से मुआहदा लिखे। चुनाचे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलहनामा लिखने के लिए शाम का सफर किया और तमाम इस्लामी फौज के सालारों को जाबिया में तलब किया। खालिद भी आए। उनका दस्ता दीबा जो हरीर के लिबास में मलबूस था, हजरत उमर बिन खत्ताब की नजर उन पर तो घोड़े से उतर पड़े और कंकरियां मारकर फरमाया कि तुम लोगों ने इतनी जल्दी अपनी आदतें बदल ली कि शाहों की सी आदत अपना ली और इतने अमीराना लिबास पहने हुए खड़े हो। खालिद और उनके दस्ते ने अपने अमीराना लिबास के नीचे असलहा दिखाकर कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन सिपाहकारी का जोहर नहीं दिखाया। हजरत उमर ने सूरत हाल देखी तो फरमाया, तब कोई मुजायका नहीं। 17 हिजरी में हम्स के बाशिंदे बागी हो गए, लेकिन अबू उबैदा बिन जर्राह और खालिद बिन वलीद की बरवक्त तवज्जो से बहुत जल्द बगावत फरो हो गई और शाम के पूरे इलाके पर मुसलमानों का कामिल तसल्लुत हो गया। 17 हिजरी में हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को माजूल कर दिया। माजूली के सन के बारे में मौर्रखीन का बयान मुख्तलिफ है। आम शोहरत यह है कि हजरत उमर ने तख्ते खिलाफत पर बैठते ही खालिद बिन वलीद को माजूल किया, लेकिन यह बयान सही नहीं। सही रिवायत यह है कि 17 हिजरी में यानी खिलाफत फारूकी के 5 साल बाद माजूल हुए। इब्ने असीर की भी यही तहकीक है। वो लिखते हैं कि 17 हिजरी में खालिद बिन वलीद माजूल हुए। इनकी माजूली का सबब यह है कि खालिद फौजी आदमी थे, उनका मिजाज तुन था, इसलिए हर मामले में खुद आराई से काम लेते थे और बारगाह खिलाफत से इस्तेहसाब जरूरी नहीं समझते थे। फौजी खराजात का हिसाब किताब भी नहीं भेजते थे। इराक की पेशकदमी रोकने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक की मर्जी के खिलाफ बगैर उनकी इजाजत के खुफिया हज को चले गए। उनका ये तर्ज अमल हजरत अबू बकर सिद्दीक को नागवार हुआ और आपने तंबीह की। उन्होंने बारहा लिखा कि बगैर मेरे हुक्म के कोई काम ना किया करो और ना किसी को कुछ दिया लिया करो। उन्होंने जवाब दिया कि अगर आप को मेरी मौजूदा हालत पर छोड़ दें तो मैं काम कर सकता हूं, वरना अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश होता हूं। इसी जमाने से हजरत उमर बिन खत्ताब उनसे बरहम रहते और बारहा हजरत अबू बकर सिद्दीक को उनको माजूल करने का मशवरा देते, लेकिन अबू बकर सिद्दीक हमेशा जवाब देते कि मैं उस तलवार को नयाम में नहीं डाल सकता जिसको अल्लाह ने बेनयाम किया है। हजरत उमर के अहद खिलाफत में भी हजरत खालिद बिन वलीद ने यह रविश न छोड़ी, लेकिन उन्होंने भी फौरन माजूल नहीं किया बल्कि अरसा तक समझाते रहे। चुनाचे फिर एक मरतबा लिखा कि बगैर मेरी इजाजत के किसी को एक बकरी भी ना देना, मगर खालिद ने कोई असर ना लिया और हजरत उमर को भी वही जवाब दिया जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को दे चुके थे। दूसरी वजह यह थी कि आम मुसलमानों को ख्याल पैदा हुआ कि इस्लामी फतुहात का दारो मदार खालिद के कुव्वत बाजू पर है, जिसको हजरत उमर पसंद नहीं फरमाते थे। तीसरी वजह यह थी कि खालिद बिन वलीद के अखराजात असराफ की हद तक पहुँच जाते थे जो दूसरे अफसरों के लिए नमूना ना बन सके। चुनाचे शोरा को बड़ी बड़ी रकमें दे डालते। एक शायर अशस बिन कैस को 10,000 दिरहम दिए। हजरत उमर बिन खत्ताब को इतला हुई तो अबू उबैदा बिन जर्राह के पास हुक्म भेजा कि खालिद बिन वलीद से दरियाफ्त करें कि उन्होंने ये रुपया किस मद में दिया है। अगर मुसलमानों के माल से दिया है तो खयानत की और अगर अपनी जेब से दिया है तो असराफ किया है, इसलिए दोनों हालतों में वो माजूली के काबिल है। ये फरमान ऐन मैदान जंग में अबू उबैदा बिन जर्राह को मिला। उन्होंने खालिद से पूछा कि तुमने ये रुपया कहाँ से दिया। आपने फरमाया, अपने माल से। इसके बाद हजरत उमर
का फरमान सुनाकर माजूली की अलामत के तौर पर उनके सर से टोपी उतार ली और अमामा गर्दन में डाल दिया। खालिद ने सिर्फ इस कदर जवाब दिया कि मैंने फरमान सुना और माना और अब भी खिलाफत के अहकाम सुनने और खिदमात बजा लाने को तैयार हूँ। इस वाक़े से हजरत उमर बिन खत्ताब के दबदबे और खालिद बिन वलीद की हक परस्ती दोनों का अंदाजा होता है। माजूली के बाद दरबार खिलाफत से तलबी हुई, चुनाचे खालिद हम्द से होते हुए हजरत उमर की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे शिकायत की कि आपने मेरे मामले में ज्यादती से काम लिया है। हजरत उमर ने सवाल किया, तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आई? जवाब दिया, माले गनीमत के हिस्सों से, अगर मेरे पास 60,000 से ज्यादा निकले तो आप ले लीजिए। हजरत उमर बिन खत्ताब ने फौरन हिसाब कराया तो कुल 20,000 दिरहम निकले। वो बैतुल माल में जमा करा दिए और फरमाया, खालिद अब भी मेरे दिल में तुम्हारी वही इज्जत और मोहब्बत है। और तमाम ममालिक महरूसा में फरमान जारी करा दिया कि मैंने खालिद को खयानत के जुर्म में या गुस्से वगैरह की वजह से माजूल नहीं किया, बल्कि महज इसलिए माजूल किया है कि मुसलमानों को ये मालूम हो जाए कि इस्लामी फतूहात का दारोमदार खालिद के कुव्वत बाजू पर नहीं है। मस्कूरा बाला फतूहात के अलावा खालिद बिन वलीद दूसरी मुहिमों में भी शरीक होकर दादे शुजात देते रहे, लेकिन उनमें आपकी हैसियत मामूली मुजाहिद की थी। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हों ने खालिद बिन वलीद को माजूल कर दिया था, लेकिन माजूल करने के बाद भी उनसे उनके रुतबे के मुताबिक काम लिए और उनके जौहर और उनकी फितरी सलाहियतों से सिपा सलारी की बजाय दूसरे शोबों में फायदा उठाया। चुनाचे माजूली के बाद हरान आमद और लरता का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, लेकिन एक साल के बाद वो खुद मुस्ताफी हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हों गवर्नरी से इस्तीफा देने के बाद मदीना में मुकीम हो गए और कुछ दिन बीमार रह कर 22 हिजरी में वफात पाई। बास लोग आपकी वफात हम्स बताते हैं, मगर ये सही नहीं है, क्योंकि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हों आपके जनाजे में शरीक थे और 22 हिजरी में उन्होंने शाम का कोई सफर नहीं किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हों की वफात से मदीना की औरतें खुसूसन बनी अजरा में कोहराम बरपा था। आपकी औलाद की तफसील ज्यादा नहीं मिलती, सिर्फ दो लड़कों महाजिर और अब्दुल रहमान का नाम मिलता है। इन दोनों में बाप की शुजात का असर था। चुनाचे महाजिर बिन हजरत खालिद बिन वलीद ने जंगे सफीन में हजरत अली बिन अबी तालिब की हिमायत में सरगर्मी से हिस्सा लिया और हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हों के अहद में कुस्तुनतुनिया के मशहूर मारके में फौज के एक कमानदार अब्दुल रहमान बिन खालिद बिन वलीद थे। हजरत खालिद बिन वलीद की कुनियत अबू सुलेमान थी। इससे कयास होता है कि इस नाम का भी कोई लड़का रहा होगा, मगर इसकी मजीद तफसीलात नहीं तारीखों में मिलती। चूंकि इब्तिदा से लेकर आखिर तक खालिद बिन वलीद की पूरी जिंदगी मैदान जंग में गुजरी, इसलिए ज़ाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खोशा चीनी का मौका कम मिला। वो खुद कहते थे कि जहाद की मशगूलियत ने मुझको तालीम कुरान के बड़े हिस्से से महरूम रखा, ताहम वो सोहबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज से दौलत इल्म से बिल्कुल बेबहरा न थे। और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीना में जो जमात साहिब इल्म इफ्ता थी उनमें एक नाम उनका भी था, लेकिन फितरतन सिपाही थे इसलिए मसनद इफ्ता पर न बैठे और उनके फतावा की तादाद 2-4 से ज्यादा नहीं। अब्दुल्ला बिन अब्बास, जाबिर बिन अब्दुल्ला, मिक्दाम बिन मादी कर्ब, कैस बिन हजाम, अश्तर नखई, अलकमा बिन कैस, जुबैर बिन नुजैर वगैरह ने उनसे हदीसें रिवायत की हैं। इन मरवियात की कुल तादाद 18 है, जिनमें से दो मुत्तफिक अलैह हैं और एक बुखारी में मुनफरिद है।